स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने क्या क्या बताया था एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। कल मैंने आपको मेनली बताए थे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, है ना बेटा। ये वाला डोर बंद कर दे, ठीक, ओके, यस, थैंक यू। तो कल मैंने आपको बताया था भैया विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, एक परिवार है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक बड़ा बैंड है, न्यूनतम आवृत्ति से लेकर अधिकतम आवृत्ति तक की एक बड़ी सी बैंड है। बैंड यानी चौड़ाई, एक बड़ा सा सीमा है, इसलिए इसको हम बैंड बोलते हैं, है ना। तो कल मैंने बताया था, दोनों चीज़ बताई थी मैंने, पहला मैंने कहा था आवृत्ति के आधार पर बढ़ते क्रम में, और दूसरा मैंने बताया तरंग दैर्ध्य के आधार पर बढ़ते क्रम में। अगर तरंग दैर्ध्य के आधार में बढ़ते क्रम में आपने देखा था कि तरंग दैर्ध्य के आधार में बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन सी रे थी, गामा किरणें। कौन सी किरणें, गामा किरणें, मैं रेज लिख रहा हूँ इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे कौन सी आई थी, तीसरे नंबर पे कौन थी, अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा मगर वेवलेंथ सबसे कम, याद आया, इसकी वेवलेंथ सबसे कम। और इस तरीके से चौथे नंबर पे कौन सी थी, विजिबल यानी कि दृश्य तरंगें। पांचवें नंबर पे कौन थी, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं बेटा, इंफ्रारेड। बड़ी बड़ी अच्छी किरण है भाई साहब, ये दिखती नहीं है हमारी आंखों से, ये हमारी आंखों से दिखती नहीं है, बट हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत यूज है। आपके मोबाइल जो रहते हैं, मोबाइल में आगे देखोगे एक एलईडी लगी रहती, लगी रहती नहीं लगी रहती, तो वो इंफ्रारेड एलईडी है। कौन सी एलईडी है, तेज धीम होने के लिए, नहीं ये नहीं, मोबाइल में नहीं, रिमोट देखा आपने, टीवी रिमोट, टीवी रिमोट के सामने आपकी एलईडी लगी रहती है, वो आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देती, बट मोबाइल के कैमरे से देखो तो ब्लिंक करती दिखाई देती है, है ना, तो वो इंफ्रारेड है, समझ गए। और आपने अगर वो देखी है उस उरी वाली मूवी सर्जिकल स्ट्राइक, तो वो लोग ने देखा होगा, वो रात को नाइट विजन कैमरा लगाते हैं आँखों में, तो वो हीट सेंस करता है, क्या सेंस करता है, हीट सेंस करता है। तो जितने भी जानवर होते हैं ना, ये सब लोग, ये सब के सब हीट रेडिएशन को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, रात को देखा होगा कुत्ते सर पर दौड़ते हैं लाइट में, अपन दौड़ जाए तो खम्भे में टकरा जाए, मुंह हाथ टूट जाए, बोलो हाँ या ना, ऐसे दौड़ पाएंगे अपन जैसे कुत्ते दौड़ते हैं, बिल्कुल फुल स्पीड में रोड में, देखे होगे, नहीं देखे क्या, अरे यार अंधेरे में भी लाइट गोल हो जाए तो भी दौड़ते हैं। अच्छा चलो बे इधर देखो, फालतू की बातें कर रहा तुम तो भैया बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तो क्योंकि उनको जो उनको विजन किसका मिलता है, हीट का, किसका मिलता है, हीट का, समझ में आया। सांप सांप वगैरह जितने भी इंसेक्ट को ढूंढते हैं, वो इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि उनके शरीर से गर्मी निकलती, क्या निकलती है, और गर्मी के कारण वो हरा 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 सेंसेशन उनको दिखाई देता है, कुत्तों को भी दिखाई देता है, हाँ बिल्कुल, ग्रीन कलर का। नाइट विजन कैमरा अगर आप लगा करके देखोगे तो आपको भी दिख जाएगा, नाइट विजन कैमरा अगर आप लगा करके देखोगे तो जहाँ भी कोई जानवर होगा, समझ गया ना, अगर कहीं भी कोई जानवर है गर्म खून वाला, तो उसके शरीर से क्या निकलेंगे, रेडिएशन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, विकिरण, तो आपको दिखाई देंगे। फिलहाल काम पे वापस आते हैं, तो भैया इंफ्रारेड का यूज नाइट विजन कैमरा में होता है, किसमें होता है भैया, हीट जैसी निकलेगी तो आपकी इमेज भी तो वैसी बनेगी ना, आप धुधले धुधले दिखाई दोगे मगर आपका पैटर्न ऐसा ऐसा बनेगा, समझ गए। हाँ अगर हीट निकलेगी तो देख लेंगे, जिस अमाउंट में हीट निकलेगी वैसे वे दिखाई देंगे, अगर आग जल रही कहीं पर तो आग दिखाई देगी, हाँ नहीं वो नहीं दिखते हैं। चलिए इंफ्रारेड नहीं, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा वाली नहीं निकलती भाई, जैसे हम लोग के बराबर हीट नहीं निकलती है, समझ गया ना। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी अवरक्त, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त। इंफ्रारेड के बाद बोलो कौन सा आया था, एक और भूल गए, यूवी विजिबल इंफ्रारेड, फिर सूक्ष्म यानी माइक्रोवेव, और लास्ट में कौन सी, रेडियोवेव। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियोवेव की। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, कितनी होती है बोलो, एक मीटर से लेके 10 किलोमीटर, एक मीटर से लेके 10 किलोमीटर, हाँ या ना। मतलब मैं आपसे बोलूं कि एक तरंग जो है बुर्ज खलीफा के बराबर तरंग दैर्ध्य लंबी है, कौन सी तरंग होगी, रेडियो तरंग। अरब की, इंडिया की सबसे, इंडिया की क्या, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा टावर जो है, उसके बराबर अगर तरंग आ रही है तो वो कौन सी तरंग होगी,
रेडियो तरंग। चलिए आज लिखेंगे, तो कल मैंने यही बताया था भाई, स्पेक्ट्रम कल मैंने बताया था, स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया था ये किसके आधार पे आपको बता दिया था मैंने, ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में तरंग दैर्ध्य, आरोही क्रम में तरंग दैर्ध्य। अब इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक तरंग होती गामा रे, समझ में आ गया। और सभी तरंगे प्रकाश की स्पीड से गतिमान है, सभी तरंगे प्रकाश की स्पीड से गतिमान है, समझ में आया। हाँ, आयाम से आवृत्ति का कोई संबंध नहीं है, आयाम आप बनाते हैं, आयाम आप बनाते हैं, आयाम आप बनाते हैं, समझ गया ना। जैसे मैं बोल रहा हूं आवृत्ति फिक्स है, हेलो हेलो, ये आयाम बदला मैंने, क्या बदला, आयाम बदला, आवृत्ति तो वही है, आवृत्ति वही है, समझ में आ गया। यस, चलिए। प्रश्न लिखिए। कल मैंने आपको तरंग दैर्ध्य बता दिया था, जिन लोगों ने तरंग दैर्ध्य नहीं लिख पाए हैं वो वीडियो देख करके पुराना तरंग दैर्ध्य देख लें कहाँ से कहाँ तक होता है, और तरंग दैर्ध्य बोर्ड पे लिख लो अपने, जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पर आप लोग नोट कर लो, बना लो, जिससे कि आप लोग को डेली दिखता रहे, नहीं तो याद करोगे दिक्कत होगी यार, अगर डेली देखते रहोगे तो आपको याद रहेगा कि ये तरंग दैर्ध्य इसका है, समझ में आया। अब जैसे कल मैंने कुछ चीज़ें तो बता दी, एक मिलीमीटर कौन सा, एक मिलीमीटर कौन सी तरंग बोलो, माइक्रो सूक्ष्म तरंग, हाँ या ना, मच्छर से भी छोटी कौन सी तरंग, सूक्ष्म तरंग, हाँ या ना। आपके पेन के बॉल पेन का पॉइंट कौन सी तरंग, हाँ बताओ भैया, रेडियो ये फिर ये, याद आया, बिल्डिंग के बराबर याद आया, ये किलोमीटर में, इसके बाद ये मच्छर की साइज का, और इससे और भी कम, एक मिलीमीटर से भी कम, याद करो 0.5 मिलीमीटर, उससे भी कम कौन सी तरंग, अवरक्त तरंग, समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। हाँ तो और बाकी और छोटी होती जाएंगी, फिर तो एंगस्ट्रॉम में पहुंच गई थी, पहुंच गई थी ना, फिर कहाँ पहुंच गई थी, एंगस्ट्रॉम में, आपने देखा था विजिबल, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, याद आया, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ नहीं, इसको करना कुछ नहीं, इसको आपको लिख लेना है, जहां पर पढ़ाई करते हो बस लिख लो, तभी ये याद हो पाएगा, उसको बस देखते रहना कि इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, समझ में आ गया, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कल मैंने बता दिया भैया फॉर्मूला, अगर आपको तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे दिया गया है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैंने बताया था सी बराबर कितना होता है बेटा, न्यू लैम्डा, सी बराबर कितना, न्यू लैम्डा बेटा, न्यू एन यू, न्यू वी नहीं होता है, सी बराबर न्यू लैम्डा, सी बराबर न्यू लैम्डा, न्यू मतलब आवृत्ति, न्यू मतलब आवृत्ति, अगर डर लग रहा तो भैया एफ लैम्डा लिख लो, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, तो सी बराबर एफ लैम्डा, बोलो अब ठीक है। तो भैया अब आपको निकालना है फ्रिक्वेंसी, मान लो आपके पास कोई वेव है दृश्य तरंग, जिसका तरंग दैर्ध्य कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना बेटा, ये तरंग हमको दिखाई देती है, इसी में आते हैं सात कलर, बैजानी हापी नाला, समझ गया ना, जो आपने पढ़े थे स्पेक्ट्रम में, वही इंद्रधनुष वाले, तो इसी में आते हैं। अब आपको निकालनी है अगर इसकी वो आवृत्ति, तो देखो सी मतलब 3×10^8, बोलो हाँ, फ्रीक्वेंसी लापता और तरंग दैर्ध्य पता है, बोलो कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम, बेटा एंगस्ट्रॉम मतलब कितने मीटर, हाँ मीटर में बदल लेना, क्योंकि सारा का सारा एसआई सिस्टम में सपोर्ट करेगा बेटा, ये आ गया मीटर, क्या आ गया ये, मीटर। अच्छा, प्रकाश का वेग क्या, मीटर प्रति मीटर से मीटर, मतलब फिजिक्स में मीटर से मीटर कैंसिल करो, इकाई से इकाई कैंसिल करो, तो थोड़ा अच्छी अनुभूति होती है। अब आ जाओ इसके नीचे, इसको भाग दे दो बेटा, एफ बराबर 3×10^8 डिवाइडेड बाई 4000×10^10 आ जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा -10, ऊपर पलटी मार के आएगा, बोलो क्या हो जाएगा, +10, हाँ या ना, नीचे जाएगा -10, ऊपर पलटी मार के आ जाएगा +10, लो भैया इसी बात में 3 0 कैंसिल कर दो, हाँ या ना, तो 3 0 कैंसिल कर दिए, तो बोलो 10^10 कितना बचा, 8 और 7 कितना, 15, मतलब 3×10^15 हर्ट्ज, समझ में आया, बटे चार आ गया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक ना, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और क्लियर सॉल्व करना है, 10 इससे छुड़ा लो, तो 3×10×10^14, हाँ या ना, और बटे कितना, 4 से काटो 10 को, कितने बार, 2.5 बार, कितने बार,
ढाई चौके दस और पच्चीस तिया पचहत्तर, यानी कि 7.5 इंटू 10 की पावर कितना 14 हर्ट्ज। समझ में आया, 10 की पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर हो गया, ये हो गया भाई साहब। तो ये देख लीजिए भैया, ये आपकी तरंगे हैं, ये आपकी तरंगे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये तरंग का तरंग देर था, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब आपकी आंखों में जो लाइट आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी कितने तक की है, 10 की पावर 14 हर्ट्ज की, 10 की पावर 14 हर्ट्ज की, है ना, न्यूनतम। नहीं 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 बेटा, तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है तो आवृत्ति अधिकतम, उल्टा चलता है, याद होगा। तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है तो आवृत्ति, और ये वाली तरंग दैर्ध्य अधिकतम है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम। और कल बताया था कि तरंग दैर्ध्य में विपग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर, विपग्योर यानी बैजानी हापी नाला, वी फॉर वायलेट, वी फॉर वायलेट हिंदी में बोलते हैं बैगनी, हाँ या ना, और रेड मतलब कितना लाल, रेड मतलब लाल। ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है बच्चे, यहाँ पे ये है 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये सुर्ख लाल 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल कलर की, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, इसलिए सबसे ज़्यादा गाढ़ा में कौन सा कलर दिखाई देता है, लाल कलर। कौन सा कलर दिखाई देता है, लाल कलर, इसीलिए खतरे का निशान बनाया जाता है क्योंकि सबसे गाढ़ा कलर होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। और इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये बिखरता नहीं है, बिखरने की प्रोसेस को फिजिक्स में बोलते हैं प्रकीर्णन, क्या बोलते हैं प्रकीर्णन, तो ये हवा में प्रकीर्णित नहीं होता है, हवा में बहुत ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं होता, बहुत ही कम प्रकीर्णित होता है, समझ में आया। इसीलिए खतरे के निशान इस कलर के बनाए जाते हैं जिससे कि प्रकीर्णन ना हो, नहीं तो कलर बिखर जाएगा हवा में। बोलो आ गया समझ में, कहो भैया। चलो ये हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के उपयोग बताइए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के उपयोग बताइए। जो अपना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसके विभिन्न भागों के आपको उपयोग बताना है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के उपयोग बताइए। पुराने बच्चों में विद्युत चुंबकीय तरंगों की बुक किसको नहीं मिली है, मिल चुकी नहीं मिली, न्यूमेरिकल वाली मिली है, थ्योरी वाली नहीं मिली, तुमको दिग्दर्शिका देनी है, ठीक है, ये लो तुम, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न भागों के उपयोग बताइए, आइए विभिन्न भागों के उपयोग लिखते हैं। तो कल मैंने आपको बताई कई सारी तरंगे, तो अपन चलते हैं ऊपर से, मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम और सबसे ज़्यादा आवृत्ति, समझ गए ना। पहली है गामा रे, पहली किसकी है, गामा रे, बताओ ठीक है, पसंद है ना, ऐसा चलें कि नीचे से चलें, चाहिए ना, चलो गामा रे। तो नंबर वन पे देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, पहली है गामा रे। तो गामा रे का यूज होता है अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, लिखिए उपयोग, लिखिए अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में अथवा कैंसर के इलाज में, एवं कैंसर के इलाज में, एवं कैंसर के इलाज में, एवं कैंसर के इलाज में, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में एवं कैंसर के इलाज में, ठीक है। जो अननेसेसरी सेल्स बन जाते हैं, कैंसर में क्या होता है बच्चों, अननेसेसरी अनवांटेड सेल्स ग्रो कर जाते हैं, अवांछित कोशिकाएं, जैसे खरपतवार नहीं ग्रो कर जाते हैं बेटा, है ना, अपन ने गुलाब लगाया साथ में कुछ और हो गया, ऐसे ही बॉडी में कुछ और भी ग्रो कर जाता है, तो जब अवांछित सेल्स ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कैंसर हो गया, क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो उनको नष्ट करने के लिए जो सिकाई की जाती है बेटा, वो गामा रे से होती है, किससे होती है, तो वो जो सिकाई होती है वो गामा रे से ही सिकाई करी जाती है। तो मैंने लिखाया अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, कैंसर के इलाज में। अगला लिखो बेटा एक्सरे, भैया तो गामा रे में फ्रिक्वेंसी बैंड, कल मैंने इस पर चर्चा करी थी, फ्रिक्वेंसी बैंड लोएस्ट से लेके हाईएस्ट है कि नहीं है, बताओ। तो भैया इसका यूज़ करो ना बिल्कुल कम वाले का, ये तो आर पार फोड़ के निकल जाएगी, नहीं तो, समझ गए ना।
तो गामा रे में कम फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं और उतने ही एरिए पे मारा जाता है जहाँ पर उनको नष्ट करना है सेल्स को। समझ में आ गया ना, सेल्स को क्या करना है, नष्ट करना है। ये बात कुछ ऐसी है कि जैसे भाई इंसान का जब कहते ना कि घाव इतना बढ़ जाए कि पैर काटना पड़े तो फिर क्या किया जाए, इसमें भी ऐसे ही होता है कैंसर में कुछ, कि कोई रास्ता नहीं है तो फिर सेल्स को ही मारना पड़ेगा और उसके चक्कर में अच्छी सेल्स भी मरती हैं और बुरी सेल्स भी मरती हैं, है ना, ये इसका तरीका होता है। अगला लिखो एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे का यूज़ तो हर कोई जानता है, टूटी हड्डियों का पता लगाने में। एक्सरे का इस्तेमाल क्या है, टूटी हड्डियों का पता लगाने में। टूटी हड्डियों का पता लगाने में और क्या है भाई एक्सरे का यूज, क्रिस्टल का अध्ययन करने में। आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल की स्टडी किससे की जाती है बेटा, एक्सरे से, एक्सरे किरणों से क्रिस्टल का अध्ययन करने में, ठीक है। एक्सरे के बाद अगली रे बताओ, हाँ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। भैया अल्ट्रावायलेट रेज का आज एक यूज बहुत कॉमन हो गया है, कोई भी आरओ ले लो उसमें आता है, लिख के आता है यूवी प्रोटेक्शन। क्या लिख के आता है, जितने आरओ में जीवाणु मारे जाते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज से मारे जाते हैं। समझ में आया, तो क्या इसमें यूज होता है, कीटाणुओं को मारने में, कीटाणुओं को मारने में। आप कोई भी रिवर्स ऑस्मोसिस खरीदेंगे तो उसमें आपके पास लिख करके आएगा विद यूवी प्रोटेक्शन, मतलब आरओ जो आता है ना एक्वा गार्ड, हाँ देख लीजिएगा उसमें लिखा रहता है। लिखिए कीटाणुओं को मारने में, कीटाणुओं को मारने में, अरे वो वाटर कूलर है, ठंडा करने वाला है वो तो हैंड सैनिटाइजर है, आरओ थोड़ा ना है वो सैनिटाइजर है, पी भी ना लेवाना ना निपट जाए कोई, हाँ अरे तो फिर भी गलती से, हाँ है ना, तो यूवी प्रोडक्शन उसमें लिखा रहता है। चलिए तो लिखिए किसका मैं बता रहा, परावैग्नी किरणें, लिखो कीटाणुओं को मारने में, शुद्ध घी की पहचान करने में, शुद्ध घी की पहचान करने में, शुद्ध घी की पहचान करने में, और हीरे जवाहरात की क्वालिटी पता करने में, मतलब वही पहचान करने में, शुद्धता नापने में, हाँ आभूषणों की, हीरे जवाहरात, सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात की शुद्धता नापने में। ठीक है, अगला दृश्य प्रकाश आ जाइए भाई, बहुत सिंपल है, दृश्य प्रकाश वस्तुओं को देखने में, दृश्य प्रकाश वस्तुओं को देखने में। वस्तुओं को देखने में दृश्य प्रकाश, ठीक, और क्या है दृश्य प्रकाश के बाद कौन सी किरण है, अवरक्त किरणें, लिखो अवरक्त किरणें। नाइट विजन फोटो, नाइट विजन कैमरा, लिखो अवरक्त किरणें, नाइट विजन कैमरा, अवरक्त किरणें किसमें यूज आती हैं, नाइट विजन कैमरा, अंधेरे में देखने में, अंधेरे में जो कैमरा काम करता है नाइट विजन कैमरा, ठीक ना। कॉमा, टीवी रिमोट के सेंसर में, टीवी रिमोट के सेंसर में, और आजकल जितने सेंसर बनाए जा रहे हैं सब में इंफ्रारेड ही लगा होता है, जितने सेंसर बनाए जा रहे हैं, रिमोट कार, रिमोट वाले खिलौने, सब में क्या लगा होता है, इंफ्रारेड सेंसर, समझ गए, एक बटन दबाओगे इंफ्रारेड फेंकेगा और दूसरा इंफ्रारेड लेगा, एक इंफ्रारेड फेंकेगा दूसरा इंफ्रारेड, रिमोट कार में एंटीना टाइप जो होती है जो लगा रहता है उसमें, एक तो एंटीना इसलिए रहता है कि सिग्नल आराम से कैच कर जाए,
वो उस सिग्नल को, रेडियो तरंगों को बाहर तक आराम से पहुंचाने का काम करता है, और कुछ जबरदस्ती फर्जी लगा देते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं रहती फिर भी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अगर बट ज़्यादा दूरी वगैरह वाली रिमोट कार है जो बहुत दूर चल सकती है, समझ गए ना, तो वो उसमें पक्के से रेडियो वेव इस्तेमाल होगी। कौन सी वेव इस्तेमाल होगी? हाँ, तो रिमोट कार जो बहुत दूर तक चलती हैं उनमें रेडियो वेव इस्तेमाल हुआ करती है, जैसे वायरलेस वॉकी टॉकी, इनमें कौन सी वेव इस्तेमाल होती है? रेडियो वेव। तो अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, लिखो अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, अगला कोहरे व धुंध में, कोहरे व धुंध में, कोहरे व धुंध में, धुंध में वस्तुओं को देखने में। ए बेटा बुक देना एक मिनट, थोड़ा सा देखते हैं, वो बुक लेट दे। कोहरे व धुंध में वस्तुओं को देखने में, ठीक है। अगला लिखो, अगली कौन सी है भैया? माइक्रो तरंगे, है ना, अवरक्त हो गई। अच्छा, अवरक्त किरणों का एक और बताऊं तुम्हें प्रभाव, अवरक्त किरणें गर्म होती हैं, क्या होती हैं? सूर्य से जो आपको गर्मी मिलती है वो केवल और केवल अवरक्त प्रकाश की वजह से मिलती है। आपको पता है कि सूर्य से तीन प्रकार के विकिरण आते हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त और पराबैंगनी। पराबैंगनी तो आप तक पहुँच, ओजोन लेयर खा जाती है, उसके बाद पहुँचता है अवरक्त। जो धरती गर्म होती है वो किस प्रकाश की वजह से होती है? अवरक्त की वजह से। समझ में आया? अवरक्त को कम करने के उपाय, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, चीज़ें जलाएं नहीं, प्रदूषण ना मचाएं, कचरा जलाएं ना, तो अवरक्त किरणें जो होंगी वो आएंगी और टकरा करके वापस लौट जाएंगी, यहीं इसी वातावरण में नहीं रह पाएंगी। मगर अभी ये प्रश्न आएगा, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसों की वजह से बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और भी हैं, बट अभी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का नाम याद है। तो क्या होता है बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, अवरक्त किरणें आ तो जाती हैं मगर कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत इसको निकलने परिवर्तित कर देती है, और ये यहीं पर बार बार टकराती रहती हैं। और जितने बार ये गर्म सिग्नल जमीन पर टकराएगा, जमीन को उतना गर्म करेगा, क्योंकि जमीन कुछ हिस्सा तो अवशोषित करेगी कि नहीं करेगी। पहली बार आपके शहर में टकराया, दूसरी बार मेरे शहर में टकराया, तो थोड़ा सा आपका शहर ने अवशोषित किया, थोड़ा सा मेरे शहर ने अवशोषित किया। इस तरीके से ये सिग्नल लगातार टकराता रहता है और ज़मीन गर्म होती रहती है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो यही है। तो भैया मगर इसका एक अच्छा यूज है मरीजों की सिकाई करने में, रोगियों की क्या करने में? सिकाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिखिए अवरक्त का रोगियों की सिकाई करने में। जो अवरक्त किरणें होती हैं उनका इस्तेमाल रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी गरम गरम चीज जहां पे आप ऊष्मा फील करते हैं, आग के सामने खड़े होकर के अगर आप ऊष्मा फील करते हैं, हाँ या ना, बड़ा मजा आ रहा है, चलते हुए अलाव के सामने खड़े हुए आपको गर्मी फील हो रही है, उससे कौन से रेडिएशन आ रहे हैं? अवरक्त। कौन से रेडिएशन आ रहे हैं? दृश्य से केवल आप देख सकते हो, दृश्य आपको केवल नज़ारे दिखा सकता है मगर दृश्य आपको जला नहीं सकता। समझ में आ गया? मतलब लाइट की दो तासीर हैं, एक दिखाने वाली और एक जलाने वाली, एक दिखाने वाली और एक जलाने वाली। भक्त प्रहलाद ने जलाने वाली तासीर पे कंट्रोल पा लिया होगा, समझ गए ना, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ होगा। अगला, हाँ, सात रे, हाँ नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं निकलती हैं। सूर्य का प्रकाश सात कलरों से मिलकर के बना हुआ है, ये व्हाइट लाइट कहलाती है बेटा, ट्यूब लाइट में ये एक कलर है, समझ गए? अपन को कोई वस्तु तब दिखती है जब कुछ रंग का
नहीं ऐसा नहीं है, जब उस चीज़ से टकरा करके वो किरण, वही पर्टिकुलर किरण आपके आँखों में आती है, और डिपेंड ये करता है कि किस लाइट की किरण टकराई है। अगर यहाँ से देखिए ये वाइट लाइट जा रही है, तो ज़्यादातर अपन वाइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो अपन को चीज़ें सही दिखाई देती हैं, समझ में आ गया। अगर अलग कलर का इस्तेमाल करें, पीला कलर मारिए आप गुलाब के फूल में, गुलाब के फूल में कौन सी कलर, पीला कलर, लाल फूल में आपको काला दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगर पीले कलर की आप लाइट मारेंगे, पीले कलर की आप लाइट मारेंगे, पीले कलर की लाइट मारेंगे लाल कलर में, तो कैसा कलर दिखाई देगा आपको, काला कलर दिखाई देगा। मिक्स करके देखिएगा पीला कलर और लाल कलर, समझ गया ना, हरा काला टाइप का कुछ बनेगा। तो कौन सी लाइट आ रही है, इसीलिए जो पहले बल्ब चला करते थे वो येल्लो लाइट वाले थे, कैसे थे, येल्लो लाइट वाले, उनमें बिल्कुल सही समझ में नहीं आता था वो पीले लट्टू छाप बल्ब। साड़ियों के शोरूम में क्या करते हैं, यही तो करते हैं ये लोग, ऐसी लाइटें चकाचौंध बिल्कुल पीली लाइटें जला देते हैं, असल कलर दिखाई नहीं देता है, बाहर आते हैं तो कलर ही बदल गया अंदर कलर कुछ और था, है ना, इसलिए वहाँ कलर समझ में नहीं आता है। तो दिन की रोशनी में अगर सही कलर जानना चाहते हो तो कपड़े दिन की रोशनी में खरीदे जाएं, है ना। अब आप महसूस करिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर इनकी शर्ट अलग, थोड़ी सी आपकी शर्ट जो है हल्की सी अलग कलर की दिखाई दे रही, बाहर जाएंगे तो और अलग कलर की दिखाई देगी, ठीक ना। और यदि यहाँ मैं 10 बल्ब लगा दूँ वाइट लाइट के, तो आप और वाइब्रेंट कलर के दिखाई देंगे और अच्छे चमकदार दिखाई देंगे। चलो लिखो, यस अगला देखो भैया, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव लिखो भाई साहब। माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा रडार में, किसमें यूज़ होता है, रडार में। रडार का यूज़ क्या होता है बेटा, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करने में। देखे होगे ऐसा छत्ता सा घूमता रहता है, दिल्ली दूरदर्शन में जब परेड आती है तो सामने रडार ऐसे ऐसे घूमता रहता है बहुत तेज़ी से, वो पता करता है कि आसमान में अपनी परिधि में कोई उड़ तो नहीं रहा है, और जैसे देख लेता डिटेक्ट करता उसकी पोजीशन पता करता, मिसाइल फायर जाके उसको मार देती है, तो वो रडार का इस्तेमाल। लिखो माइक्रोवेव। किसने कह दिया ऐसा, किसने कह दिया भाई, नहीं नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो, हर चीज का आइडेंटिफिकेशन रहता है ना, अगर अपने विमान को रडार नहीं पहचान पाता तो अपन आसमान में कैसे जा पाते भाई, यहां से लेके वहां, दिल्ली थोड़ा ना कुतुब मीनार, आ गया भैया उतारो नीचे, है ना भाई साहब, सब सबको पहचानता है, सबको पहचानता है। मगर बात यह है कि नो फ्लाइंग जोन है कहीं पर, या आपको उस समय पे परमिशन आने की नहीं है। जब हमारा विमान उठता है और जाता है तो वो ब्लिंक करता रहता है ग्रीन चैनल पे कि भैया ये हमारी फ्लाइट जा रही है, बोलो यस और नो। अब एकदम से वहां से कोई आ रही है जिसको आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परमिशन नहीं दी है, तो पहले पूछेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर आपसे पूछेगा, हेलो 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 बताइए कहाँ से हैं आप, फलानी फलानी पोजीशन पे आप उड़ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, तो कुछ समय देगा उसको कि तुम अपनी पोजीशन बताओ, फिर उसके बाद कहेगा कि ये नो फ्लाइंग जोन है, अगर आप 30 सेकंड तक नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर अटैक कर देंगे, फिर अटैक करते हैं, समझ गए ना। और यदि बता देते हैं तो जैसे अभी इंडिया का विमान जा करके लैंडिंग कर गया कहाँ, लाहौर पे, और जाके फ्यूल भराया, समझ, कोई तकनीकी खराबी आ गई थी तो कहाँ लैंड कर गया था, लाहौर पे। तो मानवता के नाते उनको भी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि कल यदि उनका विमान खराब हो गया तो अपन को भी मदद करनी है, समझ में आया। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनसे कॉन्टैक्ट बना के चलता है, तो भैया एयर उसको स्पॉट करने के लिए कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती हैं, माइक्रोवेव। लिखो राडार तथा दूर संचार में, राडार और दूर संचार में माइक्रोवेव, माइक्रो तरंगें राडार और दूर संचार में। ठीक, राडार और दूर संचार में। अगला रेडियो तरंगें, सबसे ज़्यादा यूजेबल तरंगें हैं रेडियो वेव, राडार और दूर संचार में पहला वाला हो गया। रेडियो तरंगें संचार प्रसारण एवं टेलीविज़न में, संचार प्रसारण एवं टेलीविज़न में। संचार प्रसारण एवं टेलीविज़न में
ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? तो संचार प्रसारण एवं टेलीविजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लिखो अगला सवाल। अब बच्चों इसमें एक और चीज बनती है, बचती है, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज का आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ये तरंगे उत्पन्न कैसे हुई, तरंगे एग्जैक्टली उत्पन्न कैसे हुई, बनी कैसे, तो उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। हाँ देखो भैया, हर्ट्ज के द्वारा जो तरंग उत्पन्न की गई थी, हर्ट्ज के द्वारा जो तरंग उत्पन्न की गई थी उसकी सीमा कितनी थी? 6 मीटर। कितना तरंग देर था? 6 मीटर। इसलिए हर्ट्ज को बहुत सम्मान दिया गया। हर्ट्ज के द्वारा जो तरंग उत्पन्न की गई वो कितनी थी? 6 मीटर। मगर तरंगों का जो प्रतिपादक माना जाता है वो किसको माना जाता? क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क प्रतिपादक सिद्धांत उसने दिया, मगर जाकर के लैब में सबसे पहली बार किसने डेवलप किया? हर्ट्ज ने। किसने डेवलप किया कि 6 मीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाली इसने डेवलप करी? भारतीय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने भी डेवलप की थी तरंग दैर्ध्य, मगर जो भारतीय साइंटिस्ट जगजेसी बोस के द्वारा जो तरंग उत्पन्न की गई थी उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम थी। लिखिए नोट करके, जेसी बोस द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबक तरंगों की तरंग दैर्ध्य, जेसी बोस द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी थी? 5 mm से लेके बच्चों 25 mm, 5 mm से लेके 25 mm। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य, जगदीश चंद्र बोस द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी थी? 5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर से लेकर के 25 मिलीमीटर तक इसकी तरंग दैर्ध्य थी। तो देखो बहुत कम तरंग दैर्ध्य थी इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन, ज्यादा उपलब्धि नहीं मिली, मगर हर्ट्ज की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा थी इसलिए उनको ज्यादा सम्मान मिला। अगर ये थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ क्रिएट कर लेते तो हर्ट्ज की जगह पे ये होते, समझ गए ना? मगर इनका भी योगदान कम नहीं था, हर्ट्ज के पहले इन्होंने ये काम कर दिखाया था, तो हर्ट्ज ने कहीं ना कहीं इन्हीं से शिक्षा ली, समझ गए? हाँ, और आगे पढ़ते हैं, और आगे लिखो भाई, होमवर्क क्वेश्चन लिखो, ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर लिखिए। ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर लिखिए। तो एक तरफ कॉलम बनाइए ध्वनि तरंग का और एक तरफ कॉलम बनाइए विद्युत चुंबकीय तरंगों का, एक तरफ कॉलम बनाइए ध्वनि तरंग का और एक तरफ कॉलम बनाइए विद्युत चुंबकीय तरंग का। हाँ लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। तो एक तरफ कॉलम बनाइए ध्वनि तरंग का और एक तरफ कॉलम बनाइए विद्युत चुंबकीय तरंग का। ये ध्वनि तरंग है और एक तरफ कॉलम बनाइए विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक है? आइए जानते हैं ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या डिफरेंस होता है। एक ध्वनि तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। भैया ध्वनि तरंग कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक। कैसी तरंगे हैं? मतलब यांत्रिक के लिए माध्यम जरूरी होता है, कल बताया था मैंने पहली क्लास में। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनके लिए माध्यम बहुत जरूरी है, बिना कण के वे नहीं चलेंगी, बिना कण के नहीं चलेंगी, क्योंकि माध्यम है तो कण है और कण है तो प्रत्यास्था है, कण है तो। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो प्रत्यास्था की वजह से चलती हैं। किसकी वजह से? मतलब कण अपनी माध्य पोजीशन से यहाँ गया और फिर वापस अपनी पोजीशन में लौट आया, समझ में आया ना? झटका लगा तो आगे गया और फिर वापस आ गया।
तो कण में प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं यांत्रिक तरंगें होती हैं और इनको माध्यम की जरूरत होती है, मगर विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं उनमें हाँ बोलो, ध्वनि तरंगों में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। क्लास इलेवेंथ, ये देखो भैया यहाँ पर तुमने हथौड़ा मारा, बोलो हाँ, यहाँ पर तुमने हथौड़ा मारा, जो पहला पार्टिकल है ये धक्का देगा इसको आगे वाले को, आगे वाले को धक्का देगा, धक्का दे के वहीं खसक जाएगा कि वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रत्यास्था का गुण है, उसका एक गुण है प्रत्यास्था का गुण है तो वापस आ गया। और अब इसको जो धक्का दिया है ये वाला, अब ये वाला आगे वाले को धक्का देगा कि नहीं देगा? और फिर वापस आ जाएगा, समझ में आया ना? मतलब अपनी माध्य स्थिति में दोलन करके वापस पहुंच जाता है, समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं प्रत्यास्था का गुण। अगर ये गुण नहीं होता तो तरंगे बनती नहीं, यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे? यांत्रिक तरंगे, बिल्कुल है भाई। अब फिर से वही सवाल पूछा आपने, मैं जैसे बोल रहा हूँ यहाँ पर हवा के कण हैं कि नहीं है? हवा के कण आगे वाले को धक्का दे के फिर वापस जर्क होते हैं, क्योंकि पढ़ रखा है अपने गैसों के अणुगति सिद्धांत में कि गैसों के जो कण होते हैं वो लगभग लगभग पूर्ण प्रत्यास्त होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो बिल्कुल स्प्रिंग के जैसे धक्का दे करके आगे पीछे हो जाते हैं, और फिर आगे वाले जर्क फील करते हैं, आगे वाले जर्क आएंगे, फिर अगला वाला आगे वाले को जर्क देगा, पीछे रिलैक्स हो जाएगा, फिर आगे वाले को जर्क देगा, पीछे रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से कण आगे बढ़ते जाते हैं और मेरी ध्वनि तरंग आपके कानों में पहुंचती जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो आयाम तो कम होता है ना, मैंने कहा ना, आवृत्ति बदलती नहीं है मगर आयाम कम होता है, आवृत्ति नहीं मरती है मगर कौन मरता है? आयाम, समझ में आ गया? आयाम कम होता है यार, उसकी वजह से आपको सुनाई नहीं देता है। जैसे मैंने आवाज़ जो निकाली, मेरे मुंह से निकलते समय मेरा साउंड जो है डेसिबल में है, मेरा साउंड किसी हाई डेसिबल में है, मान लो कि 12 डेसिबल या 13 डेसिबल साउंड में मेरी इंटेंसिटी है, और ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आप तक पहुँचते पहुँचते कम होता जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ना, चल आयाम कम हो रहा है, ये कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। जैसे मेरे साउंड, मैंने बोला का, मैंने बोला का, तो ये का निकलते समय यहाँ पर ऐसा है, थोड़े देर के बाद यही जो का है इसका आयाम कम हो जाएगा मगर यही रहेगा, और देर के बाद आयाम और कम हो जाएगा मगर फ्रिक्वेंसी का जो गैप है एक सेकेंड में उतने ही चक्कर रहेंगे, ये गैप दूर बना रहेगा। हाँ उतनी रहेगी, नहीं दिखाई देगी ना, नहीं दिखाई देगी, यही तो प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देगी। मगर अगर लाइट होती, लाइट निर्वात में भी गमन कर सकती है, तो आज तुम प्लूटो की तरफ कोई टॉर्च मारोगे, लाइट निकल गई तो पक्का पहुंचेगी, समझ गए ना? क्योंकि निर्वात में किसी प्रकार का लॉस नहीं है, इसीलिए सूर्य जल करके बुझ भी जाए और फिर जल जाए तो फिर लाइट 8 मिनट के बाद धरती पे आ जाएगी। इसके बारे में हाँ हाँ दिखाई देगी, क्या दिक्कत है? अरे काय की पुष्टि भाई साहब, प्रकाश के वेग से जाएगी, बिल्कुल प्रकाश का वेग है, दृश्य प्रकाश है, 3×10^8 m/s, अर्थ में तक आएगी बिल्कुल, कहाँ कहीं पे भी मार दो वहां तक जाएगी। देखिए अब दिखना एक अलग बात है, स्टार इतना बड़ा है कि उसका प्रकाश आपका तक आ रहा है, सोर्स इतना बड़ा है वो कि आप उसके प्रकाश को महसूस कर पाएं, स्रोत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्रोत कितना बड़ा है। अब आप कहें कि कोई इतनी सी लाइट मारेगा और वो आप ही को दिख जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ पर आके पड़ रही है लाइट, महासागर में आके पड़ रही है कि कहाँ आके पड़ रही है, परंतु लाइट जरूर आएगी। और हाँ वायुमंडल के कण भी हैं भाई साहब, याद रखना, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी हमें आएगा तो निर्वात हुआ खत्म और वायुमंडल हुआ क्या? शुरू। और वायुमंडल शुरू हुआ मतलब पृथ्वी के कण आ गए, मतलब प्रकीर्णन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में ना? हाँ हर ग्रह का वायुमंडल है। चलिए तो ध्वनि तरंग और यांत्रिक तरंग में डिफरेंस, ध्वनि तरंग और यांत्रिक तरंग में डिफरेंस बता देता हूं मैं, ठीक ना? पहला,
ध्वनि तरंग में, और सॉरी यांत्रिक बोल गया, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग में डिफरेंस, पहला ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे हैं और ये यांत्रिक तरंगे नहीं हैं, यांत्रिक नहीं है, ठीक है। पहला यांत्रिक है, दूसरा यांत्रिक नहीं है। दूसरा, ये कैसी तरंगे भैया? अनुदैर्ध्य। कैसी हैं? अनुदैर्ध्य। और ये कैसी हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। अगला, इनमें ध्रुवण नहीं होता, बताते हैं। इनमें ध्रुवण होता है, ध्रुवण होता है। अब ध्रुवण नहीं होना और ध्रुवण होना जो है, हमारा जो चैप्टर आएगा इसके बाद ऑप्टिक्स, उसमें पढ़ेंगे कि ध्रुवण क्या होता है। मगर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये अब मैं जा रहा हूँ और गेट मेरे सामने एक झिरी बनी है। झिरी मतलब स्लिट, होल, सीधा बना हुआ। कैसा बना हुआ है? सीधा। कैसा बना हुआ है? सीधा। अरे झिरी बनी, गेट लगा है, दरवाज़ा, ये गेट लगा है और इसमें झिरी बनी हुई है ऐसी, स्लिट होल, पतला सा सकरा सा होल बना हुआ है, समझ गया ना। जैसे वो दरवाजे में देखो छोटी सी झिरी बनी हुई है, दिख रही है हल्का सा होल। अरे सामने जो गैप दिख रहा, लाइट आ रही जिससे, बस। तो मैं क्या है, मैं ध्वनि तरंग हूँ। मैं कौन सी तरंग हूँ? कौन सी तरंग हूँ? ध्वनि तरंग हूँ। तो ध्वनि तरंग में जो है, अगर मैं ध्वनि तरंग हूँ और मैं निकलना चाहूँ खट 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 खट, देखो ध्वनि तरंग मतलब संचरण भी वही और वाइब्रेशन भी वही, मैं निकलना चाहूँगा इस झिरी से, निकल जाऊँगा? नहीं निकल जाऊँगा? निकल जाऊँगा, बोलो हाँ। निकल गया ना? यस, निकल गया। अब मगर अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग में एक वाइब्रेशन ये था, बोलो हाँ था। तो जब तरंग निकलेगी, जब ये जाएगा, और दूसरा वाइब्रेशन ये था, ऐसा वाला, याद आया? तो जब तरंग जाएगी तो ये वाला वाइब्रेशन तो निकल जाएगा, मगर ये वाला वाइब्रेशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि झिरी ऐसी है ना, तो ये वाला वाइब्रेशन फंस नहीं जाएगा, बताओ? बिल्कुल नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक ब्लेड लेना और ब्लेड लेकर के एक काम करना, ब्लेड लेकर के यहाँ पे झिरी बनती ब्लेड में बीच में, पहले रस्सी को ऐसे करना ट्र, तो रस्सी का वाइब्रेशन ये निकल जाएगा, समझ में आया? फिर रस्सी को ऐसे खींचना और मानना ट्र, तो ये वाइब्रेशन यहाँ आके रुकेगा और आगे प्लेन सपाट रहेगा, कोई वाइब्रेशन बाहर नहीं निकलेगा। इसको बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं? एक ही दिशा का वाइब्रेशन निकल पाना। हाँ, एक एक कोई जाएगा ना। हाँ भाई, यही पढ़ रहे हैं हम कि दो क्षेत्र हैं तो विस भैया इसमें ध्रुवण होता है। ध्रुवण हो गया मतलब एक क्षेत्र अलग हो गया और एक क्षेत्र अलग हो गया, समझ गया ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण हो गया, बट गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्षेत्र क्या हो गया? बट गया, समझ गए। तो इसमें ध्रुवण होता है, हाँ, तब तरंग नहीं कहलाएंगी। अगला, इसके संचरण के लिए, अरे अभी पढ़ाएंगे यार, ध्रुवण पूरा चैप्टर है, काहे लोड ले रहे हो। अगला लिखो, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। पहले लिखा दिया, इसमें माध्यम जरूरी है और इसमें माध्यम जरूरी नहीं है। ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दे, ध्रुवण को लेकर के ज़्यादा लोड ना लें, ध्रुवण में कराऊंगा थोड़े दिनों में। माध्यम जरूरी नहीं है। अगला, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है? बहुत कम। चाल क्या होती है? बहुत कम। कितनी? 332 मीटर पर सेकंड, है ना। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती? बहुत कम, 332 मीटर पर सेकंड, और इनकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। कितनी? 3×10^8 मीटर पर सेकंड। चलिए फिनिश करते हैं आज के लिए इतना ही। तो इनकी चाल बहुत ज़्यादा होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड पढ़ा चुके हैं।